हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और पता है ये जो वेंडिंग मशीन होती है ना, ये 2027 तक 25.25 बिलियन डॉलर्स यानी 1,00,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बनने वाली है, विच इज ह्यूज। और क्यों पता है? क्योंकि आज दुनिया भर में 15 मिलियन वेंडिंग मशीन से एक बैंक से डबल मतलब 15-18% आरओआई आता है। पर इससे आपके महीने के खाते में कितने की कमाई हो सकती है, और क्या आप अपने पैसे भी इस वेंडिंग मशीन के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो और गाड़ियों पे गाड़ियां खड़ी करके बैठे बैठे पैसे छाप सकते हो? जी हाँ, ये हो सकता है और मैं बताऊंगा कैसे। आपको इसके लिए बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। बट सोचने वाली बात तो ये भी है ना कि अगर एक आम इंसान वेंडिंग मशीन के इस बढ़ते हुए बिजनेस में कदम रख सकता है और ये बिजनेस आगे जाकर 1,00,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बनने वाली है, तो हमारा इंडिया इस वेंडिंग मशीन के बिजनेस में कदम क्यों नहीं रख रहा है? क्यों सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट और मॉल्स में ही आपको ज्यादातर वेंडिंग मशीन नजर आते हैं? Well, इसका जवाब ढूंढने के साथ साथ अगर आप भी इन लाखों करोड़ों की बहती हुई नदियां में गोते लगाना चाहते हो, तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वंडरफुल वीडियो जिसका नाम है हाउ मच वेंडिंग मशीन्स मेक इन अ मंथ। तो भाई लोग, शुरू करते हैं इस वेंडिंग मशीन के इतिहास से, मेरा मतलब है उस कहानी से जो सबसे पहले 1st century BC में बनी थी। और तब उस जमाने की उस मशीन से स्नैक्स और ड्रिंक्स के बजाय होली वाटर निकलता था, जिसे बड़ी शिद्दत से हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने, जो मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के महाज्ञानी थे, उन्होंने इसे इसीलिए बनाया था ताकि लोग मंदिरों से ज्यादा पानी भरकर घर न ले जाए। पर ये तो था रोमन इजिप्ट का इतिहास। दुनिया की सबसे पहली फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन तो 1880s के दौरान लंदन में बनी थी और वो सिर्फ पोस्टकार्ड्स डिस्पेंस करती थी। पर उससे पहले 1615 इंग्लैंड में टोबैको वेंडिंग मशीन, 1822 में न्यूज़पेपर वेंडिंग मशीन और 1867 में स्टैंप वाली वेंडिंग मशीन बनाई गई थी। आज दुनिया भर में ड्रिंक्स और स्नैक्स पहुंचाने वाले जो मशीन्स आपको मॉल से लेकर ऑफिस और ऑफिस से लेकर रेलवे स्टेशन्स और होटल्स में देखने मिलते हैं, वो शुरुआती दिनों में यानी 1890s में पेरिस और फ्रांस में सेट की गई थी। और फिर वेंडिंग मशीन्स ने दुनिया में ऐसा तहलका मचाया कि आज दुनिया में 15 मिलियन वेंडिंग मशीन्स हैं। लेकिन जापान, जहां आपको ड्रिंक्स और स्नैक्स जैसे बेसिक आइटम्स के साथ साथ सिगरेट्स, लिकर, नॉवेल्टी आइटम्स, फोटोज और यहां तक कि अब फल यानी कि फ्रूट्स भी वेंडिंग मशीन से ही मिलते हैं। और हाल ही में जापान को भी वेंडिंग मशीन की रेस में पीछे छोड़कर यूएस ने 7 मिलियन वेंडिंग मशीन का आंकड़ा अपने देश में जमा रखा है, यानी यूएस के हर 50 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन है। और वहीं अगर लैंड एरिया की बात करें तो जापान के पास हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वेंडिंग मशीन ऑन द प्लैनेट है। मतलब यार, मैं पर्सनली जब गया था तो मुझे हर जगह से वेंडिंग मशीन ही दिखाई दे रहे थे। और जापान में हर 23 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन है, यानी टोटल उनके पास 55 लाख से ज्यादा वेंडिंग मशीन्स है। कैन यू बिलीव दैट? इसके जवाब ढूंढने के साथ साथ अगर आप भी अपने पैसों का सही इन्वेस्टमेंट करके लाखों करोड़ों कमाने का सपना रखते हो, तो आज मैं आपको गूगल जैसे मल्टीनेशनल कंपनी के फ्रैक्शनल शेयर्स फ्री में देने वाला हूं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वेंडिंग मशीन्स आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर 15-18% जितना आरओआई देगी। तो अगर आप अपने पैसे को 7-7.5% आरओआई के लालच में बैंक के एफडी में रखने का पाप कर रहे हो, तो सावधान, इससे बैंक का प्रॉफिट हो रहा है और ना कि आपका। तो क्यों ना आप अपने पैसों को शेयर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि जैसे इंडिया और पूरी दुनिया फ्यूचर में वेंडिंग मशीन से घिरने वाली है, वैसे ही आज अपने आसपास देखो यार, अमेरिकन प्रोडक्ट्स जैसे अमेज़न, गूगल, एप्पल, नेटफ्लिक्स से हम घिरे हुए हैं। हम इसके स्टेक होल्डर्स हैं, यानी इनके कस्टमर्स हैं। सो इन अ वे हम ऑलरेडी इनका एक हिस्सा है। बट इससे हमें क्या अर्निंग हो रही है? क्या आप इन कंपनीज के ग्रोथ और प्रॉफिट में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करके कंपनी के ग्रोथ का एक हिस्सा नहीं लेना चाहोगे? बट बात वही हो जाती है कि यार, अमेरिकन कंपनीज में मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? वेल, बहुत ही इजी तरीका है। अभी आप INDMoney मनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और ये ऐप आपके लिए एकदम बेस्ट है, क्योंकि सबसे पहले तो आप इस ऐप पर गूगल जैसी कंपनीज के भी फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हो, जिसका ऑप्शन आपको इंडिया के स्टॉक्स में नहीं मिलता। वही दूसरी बात यह है कि हमारी इंडियन करेंसी दिन ब दिन डॉलर के आगे घटती जा रही है, यानी प्रॉफिट यूएस की करेंसी में ज्यादा है। और इसके साथ ही पहले स्टॉक इन्वेस्टिंग की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस के लिए बैंक्स और ब्रोकर्स आपसे पैसे चार्ज करते थे, वहीं INDMoney फ्री में आपके लिए सब कुछ करके देगा, यानी नो ब्रोकरेज चार्ज एंड नो अकाउंट ओपनिंग चार्ज। तो अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करते हो, तो मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को गूगल के फ्रैक्शनल शेयर्स दूंगा फ्री में। या फिर आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके GSF गूगल इस कोड का इस्तेमाल करके भी गूगल के फ्रैक्शनल शेयर्स अपने नाम कर सकते हो। तो व्हाई वेट? अभी लो इनिशिएटिव और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो।
लॉन्ग टर्म मनी प्लानिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। अब फ्रेंड्स, अगर हम वेंडिंग मशीन के टाइप्स और इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो दुबई के गोल्ड देने वाली वेंडिंग मशीन से लेकर इटली के 3 मिनट में गर्मा गर्म पिज्जा देने वाली वेंडिंग मशीन, यूएस की रियल कार वेंडिंग मशीन और सबसे जबरदस्त जापान की खपाखप की डीवीडी देने वाली या इवन साक्षात आपको डेट के लिए लड़की ही देने वाली वेंडिंग मशीन तक आज दुनिया में इन मशीनों का भरमार है। दुनिया भर में विकिपीडिया के मुताबिक 21 से भी ज्यादा टाइप के वेंडिंग मशीन मौजूद है, जिनमें आपको फूड एंड स्नैक्स, सिगरेट, कॉन्डम, सैनिटरी नैपकिन्स, न्यूज़पेपर, फोटो बूथ, टिकट, कार्स, पिज्जास, फ्रेंच फ्राइज, लाइफ इंश्योरेंस और पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। और फ्यूचर में आने वाले मशीन्स के बारे में तो ये तक कहा जा रहा है कि वो आपके चेहरे को पहचान कर आपको आपके टेस्ट और इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो स्मार्टफोन की ही तरह वेंडिंग मशीन्स भी टाइम के साथ साथ स्मार्ट होती जा रही है, जिसके चलते आज न्यूअर टेक्नोलॉजीज को लोअर कॉस्ट से इसमें अडेप्ट किया जाता है, जैसे वेंडिंग मशीन में टच डिस्प्ले, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कैमरास और अलग अलग तरह के सेंसर्स लगाए जा चुके हैं। और 2019 में ग्लोबल वेंडिंग मशीन मार्केट, जो मार्केट $18.28 billion था, वो जैसे मैंने बताया आने वाले 2027 में 6.7% के कॉम्पाउंड एवरेज ग्रोथ रेट के साथ $25.25 billion का होने वाला है, जिसमें फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन्स की डिमांड सबसे हाई होगी। जैसे 2019 में भी ये 53.37% के आंकड़े से हाई थी। और इसी के साथ साथ अगर हम वेंडिंग मशीन के सिक्योरिटी पर नजर डालें तो इनकी सिक्योरिटी बड़ी ही टाइट होती है। एक बार पैसे बॉक्स के अंदर पहुंच गए तो फिर इन पैसों को बिना लॉक को खोले निकालना नामुमकिन है। पर फिर भी इस सिक्योरिटी को डबल करने के लिए इस मशीन को सिक्योरिटी केज और इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। साथ ही इन मशीन्स में जैसे मैंने बताया कैमरास लगे होते हैं, तो अगर आजू बाजू का सिक्योरिटी कैमरा काम नहीं कर रहा तब भी वेंडिंग मशीन से छेड़छाड़ करने वाला या उसे चुराने वाला इंसान बच नहीं पाएगा। यही नहीं, अलग अलग देशों में वेंडिंग मशीन से छेड़छाड़ और चोरी के लिए अलग अलग तरह की पनिशमेंट है। जैसे फ्लोरिडा के कानून के मुताबिक छेड़छाड़ या चोरी करने वाले को 60 दिन की जेल से लेकर 37,000 रुपए से ज्यादा का फाइन लग सकता है। पर सदा के साथ आपको ये भी जानने की जरूरत है कि इस मशीन को आसानी से चुरा पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये 300 किलो से भी ज्यादा भारी होता है, तो ऐसे नहीं कि उठा के सीधा कट लिए। पर अब बढ़ते हैं उस बात की ओर जिसका इंतजार आपको वीडियो के स्टार्ट से था, मतलब आप इस मशीन से महीने में कितना कमा सकते हो। अब ये आप भी जानते होंगे कि वेंडिंग मशीन में आप क्रेडिट कार्ड से लेकर नोट्स, कॉइन्स या फिर फोन ऐप से पेमेंट कर सकते हो, तो ऑन एन एवरेज एक वेंडिंग मशीन में आप $150 से लेकर $400 तक कमा सकते हो, जो एक इंटरनेशनल एवरेज है। और ये मशीन की लोकेशन, प्रोडक्ट्स एटसेट्रा पर भी डिपेंड करता है, मतलब कहीं कोई एक मशीन एक दिन में कई $100 भी कमा लेगी और कुछ मशीन थोड़ा कम भी कमाएगी। और इसका कैलकुलेशन आप आसानी से कुछ ऐसे समझ सकते हो कि एक वेंडिंग मशीन जो हर दिन ऑन एन एवरेज 10 सोडा बॉटल्स बेचती है, जिन्हें आप लेट्स से इंटरनेशनल नंबर्स के खातिर $2 में बेचते हो पर बॉटल, तो आपकी एक दिन की कमाई हुई $20 और हफ्ते की कमाई हुई $140, है ना। लेकिन ऑब्वियसली ये आपका पूरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि समझो कि ये बॉटल $1.50 की आपको मिली है, यानी आपका प्रॉफिट पर डे सिर्फ $5 का हुआ, जो हफ्ते में जोड़ घटाकर $35 हो जाएगा और महीने में $150। पर जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ $150 यानी 10,000 से 11,000 रुपीज ही कमाओ, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बेसिक एग्जांपल दिया है, बाकी का कैलकुलेशन वुड वेरी। तो इसीलिए आप अपने वेंडिंग मशीन में जितनी वैरायटीज रखोगे और जितना ज्यादा हाई ट्रैफिक होगा आपके एरिया में, आपकी वेंडिंग मशीन उतना आपको प्रॉफिट देगी। और ज्यादा आइटम्स रखने का मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी। सो या यू शुड हैव सम कैपिटल टू स्टार्ट विद अगर एक पॉपुलर वेंडिंग मशीन खोलनी है तो। अमेरिका के 23 वेंडिंग मशीन्स के ऑपरेटर्स की एक स्टडी के मुताबिक वेंडिंग मशीन में बिकने वाली हर चीज में 40% से लेकर 86% तक का प्रॉफिट होता है। और यूएस की एक और एक स्टडी में मिले डेटा के हिसाब से वेंडिंग मशीन में कौन कौन सी चीजें किस किस परसेंटेज में बिकती है अगर देखने जाए तो लोग सबसे ज्यादा ड्रिंक्स पर खर्च करते हैं। तभी तो वेंडिंग मशीन वॉच, जो वेंडिंग मशीन की इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री है, उसकी 2019 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक यूएस में वेंडिंग मशीन के 1/3 कमाई का सोर्स बेवरेजेस ही था। अब आप बताओ भाई लोग, अगर आपके पास काफी सारा पैसा पड़ा है और अगर आप उसे बैंक पे डालते हो तो बैंक आपको कितना आरओआई देता है? एफडी में लेट्स से 7%, चलो 7.5% अगर इकोनॉमी बहुत ही बूम हो रही है तो। लेकिन पता है इंडिया के वेंडिंग मशीन का बिजनेस चलाने वाले वेंडर के मुताबिक ये वेंडिंग मशीन आपको 15 से 18% का आरओआई देती है।
तो भैया बात साफ है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे इनसे आप खत्म ना होने वाली गड्डियां कमा सकते हो। Well, इसके लिए सवाल ये आता है कि क्या हम सिंपल नॉर्मल लोग भी वेंडिंग मशीन की दुकान लगा सकते हैं। Well, इसके लिए आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आप वेंडिंग मशीन की दुकान का शुभारंभ खुद अपने हाथों से कर सकते हो। और देखो इसके लिए आपको बस तीन चीजें चाहिए, जिसमें नंबर वन पर आता है FSSAI यानी फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया में फूड सेफ्टी को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है। इसका रजिस्ट्रेशन आपको लगेगा क्योंकि इसके बिना आप कोई भी फूड बिजनेस नहीं चला सकते, पर आपको FSSAI का बेसिक रजिस्ट्रेशन एज पर लॉ लेना पड़ेगा, जो स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप्स जिनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख रुपए के नीचे होता है उनके लिए जरूरी है। इसके साथ ही टैक्सेस के लिए आपको GST रजिस्ट्रेशंस और ट्रेड लाइसेंस की भी जरूरत होगी। और बस फिर क्या, आप वेंडिंग मशीन को रेंट पर लेकर चला सकते हो या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाकर इसे खुद खरीद भी सकते हो, जो आपको 2 लाख रुपए तक मिल जाएगी। पर वरी नॉट, क्योंकि आपकी ये महंगी वाली इन्वेस्टमेंट आपको 100% वापस मिलेगी, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। बेनले वेंडिंग सिस्टम, जो ऑस्ट्रेलिया की करीबन 25 ईयर्स पुरानी वेंडिंग मशीन कंपनी है, उसके मुताबिक आपको 18 महीने के अंदर 100% ROI मिल जाता है। साथ ही जैसे मैंने बताया, इंडिया में मौजूद वेंडर WENDOR वेंडिंग मशीन बिजनेस मैनेजमेंट क्लाउड के हिसाब से भी आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 से 2 ईयर्स में रिकवर हो जाता है, और ये मशीन तो 10-10 साल तक चलती रहती है, और इन पर आपको 15 से 18% ROI मिलते रहेगा, जबकि बैंक आपको FD पर सिर्फ 7 या 7.5% ROI देता है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि आगे मार्केट और बढ़ने वाला है, तो सीधी सी बात है, यू वांट टू हैव लार्जर परसेंटेज ऑफ दैट इंक्रीजिंग पाई, राइट? बस इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग और पूरी मेहनत करनी होगी, और आप घर बैठे बैठे 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 ऐसे वेंडिंग मशीन बढ़ाते बढ़ाते अपने महीनों में लाखों का बिजनेस खोल सकते हो, जहां आपको एक मशीन भरने के लिए बस 10 से 15 मिनट देने होंगे, और एक दिन की शॉपिंग में आप अपनी सारी मशीनों के लिए शॉपिंग कर पाओगे, मतलब 30 दिन में से 2 दिन देकर आप महीने में लाखों कमा पाओगे। Well, अगर आपके पास इससे बेटर कोई आइडिया नहीं है तो कोई बेवकूफी स्कीम को ना कहेगा, है ना? और अब भाई लोग बारी है आपको ये बताने की कि इंडिया में 88% मार्केट स्नैक्स और बेवरेज वेंडिंग मशीन्स का है, लेकिन फिर भी ये मार्केट विदेशों की तरह हमारे देश में इतना फल फूल क्यों नहीं रहा? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो यहाँ पे तो और ज्यादा फलना चाहिए, राइट? Well, देखा जाए तो इंडिया की एयरपोर्ट अथॉरिटीज वेंडिंग मशीन की इंस्टॉलिंग को बढ़ावा देती है कस्टमर कन्वीनियंस के लिए, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट भी इस काम में खुद आगे आ रही है, और दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में गवर्नमेंट ने खुद वेंडिंग मशीन को इंस्टॉल करवाया है। पर अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया भर में ज्यादातर वेंडिंग मशीन ऑफिस, मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में ही आपको देखने मिलेंगे, जबकि इंडिया के बाहर ये गली मोहल्ले में भी सेट है। So, इंडिया में इसके पिछड़े होने का रीजन ये है कि यहाँ पर सबसे पहले तो किराना स्टोर सिस्टम चलता है, जो कई सेंचुरीज से चला आ रहा है, और हम इंडियंस को अपने बगल के किराने वाले भैया की इतनी आदत हो गई है कि हमें ये लगता है कि वेंडिंग मशीन्स की वजह से लोगों की जॉब छिन जाएगी। इसका दूसरा रीजन है कैश हैंडलिंग। इंडिया में हम नोट्स को तोड़ मरोड़ के उसका कचरा बना डालते हैं, जिसकी वजह से ये मशीन्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन वालों ने वेंडिंग मशीन के बाजू में एक ऑफिशियल को खड़ा रखा है, जो स्पेयर नोट लेकर खड़ा रहता है और मुड़े तुड़े नोट को एकदम कड़क नोट से चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देता है। और इसका तीसरा रीजन है कि हमारा इंडिया टेक्नोलॉजी में ग्रो तो कर रहा है, लेकिन आज भी हमारे देश के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये वेंडिंग मशीन इस्तेमाल करना नहीं आता। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैंने पैसा डाला, साला पैसा फंस गया तो क्या करेगा, नुकसान हो जाएगा। इसके साथ ही वेंडिंग मशीन्स के चोरी और वैंडलिज्म की प्रॉब्लम भी इंडिया में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जापान और US की तरह हमारे यहाँ पर जगह जगह कैमरास नहीं लगे हुए, ना ही हमारे यहाँ पर 24/7 सर्विसेज मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बाहर कहीं अवेलेबल होती है। और तो और इंडिया के कुछ सिटीज का हाल इतना बेहाल है कि यहाँ पर तो गटर के ऊपर लगाया हुआ लोहे का ढक्कन भी चुरा के लेके जाया जाता है, ATMs उठाकर घर ले जाते हैं लोग। सो यहाँ पर वेंडिंग मशीन का क्या हाल हो सकता है, आप खुद ही सोच लो। लेकिन भाई लोग, आज से 5 साल पहले क्या आपने घर बैठे पिज्जा के अलावा किसी रेस्टोरेंट से खाना या ग्रोसरी मंगाने के बारे में सोचा था? नहीं ना। पर आज स्विगी और जोमैटो इंडिया की नंबर वन होम डिलीवरी बिजनेस बन गई है, जो बिलियंस का टर्नओवर रखते हैं। आपने घर बैठे बैठे एक दिन में ऑर्डर अपने घर में पहुंचाए जाने के बारे में सोचा था? पर आज अमेज़न हर रोज मिलियंस ऑफ लोगों के साथ वो काम कर रही है, राइट? सो यू नेवर नो किस तरीके से हमारे देश में भी चेंज आ सकता है। आपका क्या ख्याल है भाई?
क्या अगर इंडिया अपने और इस माला माल बनाने वाले वेंडिंग मशीन बिजनेस की छोटी मोटी दिक्कतों को खत्म कर पाया तो क्या बहुत सारे लोगों के लिए एक वंडरफुल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाएगी और ऑब्वियसली लोगों को बेहतर सर्विस भी मिलेगी। वेल, ना मत कहना भाई लोग, क्योंकि मार्केट रिसर्च करने वाली एक कंपनी के मुताबिक इंडिया में वेंडिंग मशीन का मार्केट 2020 से 2026 तक 14% ज्यादा बढ़ने वाला है। तो क्या आप भी इस बिजनेस में कदम रखना चाहोगे? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और यूनिक वीडियोस आपको सिर्फ यहीं पे देखने मिलेगा। और अब फ्रेंड्स, जाने से पहले अपने गूगल के फ्री फ्रैक्शनल शेयर्स लेना मत भूलना। आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।